सरकार तो सबकी वो तो आपको वोट कोई मतलब सरकारी अपने आप को थोड़ी ना वोट देती है, जनता वोट देती है, जनता जो बोलेगी वही तो होगा। हम पार्टी लाए तो पार्टी को गिरा भी सकते हैं। लेकिन ये कहते हैं कि केजरीवाल जो है वो धरना मंत्री है, धरना मतलब कोई बात हो सरकार के खिलाफ धरना करने लगा। अगर वो भी आदमी ही है, वो जरूरी थोड़ी ना सीएम बन के ही आते हैं हमेशा, आदमी बन के भी तो कभी आ सकते हैं, वीआईपी थोड़ी ना है वो, जरूरी थोड़ी ना कि हर बारी वो वीआईपी के ही मुकुट में आएंगे, आदमी के भी मुकुट में भी तो आ सकते हैं। और हर सरकार ऐसे तो कोई भी सरकार कर सकती है धरना, उसमें कौन सी बात है। केजरीवाल जो है वो देशभक्ति सिलेबस लाने वाले हैं ना, पढ़ाई होगी आपकी दिल्ली में गवर्नमेंट स्कूल को आप देख लीजिए, सब देख लीजिए आप, अस्पताल देख लीजिए गवर्नमेंट स्कूल के, सब देख लीजिए आप, अस्पताल अभी गरीबों के लिए फ्री हो रहे हैं, सब इलाज हो रहे हैं यहाँ पे। आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने वाली है आप? ज्वाइन है, पापा के ज्वाइन हो गए, मैं तो बात नहीं करूंगी ना, अभी तो बहुत टाइम है, अभी 18 साल 8 साल बाकी है। आगे आपको राजनीति में आना है या कुछ और बनना है? राजनीति में आना, राजनीति में आना है। क्यों, किस लिए? हिंदू मुसलमान और गरीब दलित और वगैरह हटाने, मतलब कुछ दलित की लड़ाई है, जो मुसलमानों की लड़ाई है। लेकिन ये तो केजरीवाल भी कर रहे हैं, बीजेपी भी हिंदू की बात करते हैं, मुसलमान की बात करते हैं। बीजेपी हमेशा राम राम करती है, जय श्री राम। अभी दो अभी आ गए हैं ऐसे, शाहजी और मोदी जी। जय श्री राम से थोड़ी ना देश चलता है, जुमलों से थोड़ी ना देश चलता है, कुछ काम भी तो होना चाहिए। अच्छा, राम मंदिर बनाने की यूपी में सोच रहे हैं क्या, इतना बड़ा काम कर दिया है, जबकि वहाँ की हाथरस इतने होते हैं, वहाँ निर्भया इतने होते हैं, कोई देखता है वहाँ के निर्भया को? हर दो घंटे में बलात्कार होते हैं वहाँ, किसने देखा है वहाँ तक? सब देखते कि राम मंदिर बना दिया, रिफाइल ले आए, सब देख लिया। राम मंदिर पे तो जनता ने उन्हें चुना है, इन्हीं नारों के साथ तो वो सत्ता में आए। जय श्री राम का नारा लगाओ, राम मंदिर बनवाएंगे। बलात्कार को आपने देखा कितने हुए वहाँ, कितने गिनती है वहाँ की बलात्कारों की? योगी जी आप बंगाल जाते हैं और कहते हैं कि हम बंगाल को जो है उत्तर प्रदेश जैसा बना देंगे अगर यहाँ मेरी सरकार, राम राज बना दे। उत्तर प्रदेश जैसा बना दे, पहले वो दिल्ली को जीत ले फिर बंगाल की बात करें। तो मैं ये कहना चाहूंगी उन्हें, दिल्ली तो वो जीत ले पहले। जो कानून बन रहा है ये अच्छा नहीं है दिल्ली के लिए, सरकार के हाथ में होगा, एलजी के हाथ में होगा तो और विकास होगा। अगर अच्छा होता तो हम प्रदर्शन नहीं कर पाते यहाँ, अगर हमारे को अच्छा लग रहा होता तो हम यहाँ प्रदर्शन नहीं कर रहे होते। सरकार तो कहती है जो प्रदर्शन कर रहे हैं सब के सब देशद्रोही बाहर आ रहे हैं। कहने से सरकार चलती है क्या? कहने से सरकार चलती है? कभी आप कह दो अगर आपकी सरकार चल जाए तो आप कह दो कि हम पूरे देश को साफ करेंगे, साफ हुआ देश? 10 साल से तो इसी मुद्दे पे चला रहे हैं, 7 साल हो गया है, 7 साल हो गया। अभी तक आप जहाँ देखेंगे हर जगह कूड़ा फैला पड़ा है, यहाँ पे भी आप बाहर जाके देखेंगे रोडों पे तो कूड़े पड़े हैं। आप बैनर लेके घूम रही हैं, आपको भी देशद्रोही की कैटेगरी में डाल देगी गवर्नमेंट? डाले नो प्रॉब्लम। हाँ बोलो, कोई प्रॉब्लम है? हम अच्छा ऐसे तो निर्भया में भी कितने लोग आए थे पोस्टर लेके, उन्हें कोई कुछ नहीं कहेगी सरकार? अच्छा निर्भया के बारे में आपको किसने बताया? तब तो आप 2 या 4 साल की होंगी। निर्भया अभी पिछले निर्भया मनीषा वाल्मीकि का नहीं हुआ था? आपको कहना हमेशा निर्भया होता है, हमेशा निर्भया हो रहा है। अभी दिल्ली में बेटी असुरक्षित है ज्यादा या उत्तर प्रदेश में? दिल्ली। वो कैसे, कुछ एग्जांपल? दिल्ली में बस फ्री है लड़कियों के लिए, यूपी में तो बाहर भी नहीं निकल पाती हैं लड़कियां। लड़कियों का ऐसे लगे तो कि हम अपने भाई बहनों के पास जा रहे हैं, अपने जहां देखो मेरे चाचा हैं, मेरे ताऊ हैं, उनके पास जा रहे हैं, सब बुरी नजर से ही क्यों देखते हैं। मोदी जी योगी जी से क्या कहेंगे आप? मोदी जी, मैं योगी जी से कहना चाहूंगी कि आप कुछ भी कर लें, आएगा दिल्ली का लाल केजरीवाल। देश में अभी अभी हमारे गुजरात में मोदी जी जहाँ रहते थे, जहाँ उनके बचपन की पढ़ाई हुई है, वहाँ पे ही हमारे सूरत में हमने सीटें जीती है, 27 सीट लेकर हमने वहाँ सूरत में अपना नाम बुलाया है। कश्मीर में भी हमारी सीट आई है, गोवा में भी आएगी, और पूरे देश में ऐसे केजरीवाल जी सीएम से ज्यादा पीएम तक बने। किसानों के लिए क्या कहेंगे जो गाजीपुर बॉर्डर टिकरी बॉर्डर पर खड़े हैं? किसानों का लाल भी केजरीवाल है। जब किसान यहाँ पे बॉर्डर पे आए थे तब भी उनको हमने ही खाना दिया था, हमने ही उनको पानी दिया था, सब हमने ही दिया था उन्हें। कांग्रेस का आरोप है कि केजरीवाल तो मोदी जी के लाल है, उसके रास्ते पे चल रहे हैं। कोई कुछ भी, पहले से तो कहते हैं कि कांग्रेस को भी कहते हैं कि राहुल जी पप्पू।
होती है।